जय बागेश्वरधाम, जय बालाजी सरकार, जय सीताराम। मित्रों मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में राशि परिवर्तन का बड़ा महत्व होता है। हर माह सूर्यदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, जिसका शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सफलता, प्रगति एवं सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में उच्च सेवा का कारक माना जाता है। 28 दिसंबर को होगा सूर्य का गोचर। मित्रों, जिसका असर सभी राशियों पर होगा। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। सूर्य के धनु राशि में जाने से किन राशियों को फायदा होगा, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। गुरु जी के अनुसार सूर्य के धनु राशि में जाने से किन राशियों को फायदा मिलेगा, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही मित्रों, आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सीताराम अवश्य लिखें, जिससे बालाजी सरकार की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बार की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन राशियों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। तो गुरुजी कहते हैं कि इस जातकों के लिए यह सूर्य गोचर कई महीनों में खास रहने वाला है। वित्तीय स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव होगा, यानी कि आपको मौद्रिक लाभ होने की भी पूरी संभावना है। इसके साथ ही आप कहीं धन निवेश किए हैं तो इससे भी आपको लाभ हो सकता है। संपत्ति संबंधी लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जो जातक सार्वजनिक जीवन में है, उन्हें नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है। सही दिशा में काम करें, आपके सामाजिक स्तर में सुधार नजर आ रहा है। राजनेताओं के लिए गोचर अच्छा है, शुभ परिणाम देने वाला है। तो मित्रों, वहीं बात करें कर्क राशि वाले जातकों की। तो गुरुजी कहते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना काफ़ी अच्छा है। अगर बात हम आपके वित्तीय स्थिति की करें तो धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होने वाला है, साथ ही मानसिक तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, आपकी तरक्की से कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कार्यों से नहीं हटना चाहिए। नाम और प्रसिद्धि भी साथ में मिलेगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। गुरुजी कहते हैं कि सूर्य के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप नियमों का पालन करेंगे। जो लोग रेडियो जॉकी, गायक की तरह मुखर नौकरियां में हैं, वे अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्रों को उनकी सफलता का रास्ता मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु आपको परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए मित्रों, बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो गुरुजी कहते हैं कि आप अपने मित्र मंडली के साथ साथ कार्यालय में भी लोकप्रिय होंगे। सूर्य गोचर के कारण आप जरूरतमंदों के प्रति दयालु होंगे। इसके साथ ही आप में नेतृत्व की गुणवत्ता बढ़ेगी। आपको कार्यालय में किसी प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही आपका व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में सब ठीक होगा। रोमांस की बात करें तो आपके जीवन में सूर्य का राशि परिवर्तन करना रोमांस को बरकरार रखेगा, परंतु रोमांस समाप्त नहीं होगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। तो मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य का गोचर पेशेवरों के लिए अच्छा है। कार्यालय में मीन जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही प्रमोशन भी हो सकता है। बड़े फैसले लेते समय आप उलझन में रहेंगे। अपने सीनियर्स की सलाह लें, मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। निजी जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही राशियों से जुड़ी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही राशियों से जुड़ी और जानकारियों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम मित्रों।